स्वागत है तुहाडा दैनिक सवेरा टीवी ते। इस वेले दी पंजाब दी राजनीति नाल जुड़ी हुई वड्डी खबर, पंजाब कांग्रेस दे अंदर जिदा पिछले कई दिनों दे कलेश चल रहा है, बगावत दे सुर उठ रहे सीगे, उन्हूं लैके जिहड़ी 3 मैंबरी कमेटी बनाई गई, 3 मैंबरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सोनिया गांधी नूं दित्ती। तां हुण 20 जून नूं सोनिया गांधी ने पंजाब कांग्रेस दे वड्डे नेतावां दे नाल मीटिंग करनी है और उस तों बाद जिस तरह पंजाब कांग्रेस दे हालात बिगड़े हुए ने इहनूं ठीक करन लई, पंजाब दे कांग्रेस दे हालातों ठीक करने लई कांग्रेस हाई कमांड वल्लों वड्डा फैसला लिया जा सकता है। इस वेले दी वड्डी खबर एक्सक्लूसिव जानकारी आपां तुहानूं दे रहे हां। 20 जून नू सोनिया गांधी ने दिल्ली विखे पंजाब कांग्रेस दे वड्डे नेतावां दे नाल बैठक बुलाई है। मेरे नाल मेरे सहयोगी अजय जा जुड़ चुके ने। अजय, किहड़े किहड़े नेता शामिल हो सकते ने इस बैठक दे विच? देखिए रिमांशु, अभी जो खबर आ रही है वो सूत्रों के हवाले से है कि 20 जून को कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पंजाब कांग्रेस के बड़े नेताओं की बैठक बुलाई है। इसमें मुख्यमंत्री भी, कैप्टन अमरिंदर सिंह भी शामिल होंगे और साथ ही पंजाब कांग्रेस से जुड़े जितने भी बड़े नेता हैं उनके साथ वो बैठक करेगी। और ये भी दावा किया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि कमेटी की रिपोर्ट और सिफारिशों के आधार पर जो फीडबैक मिला है, ज्यादातर जो प्रॉब्लम थी, जो इन फाइटिंग की वजह थी, उसको ओवरकम कर लिया गया है, उसको खत्म कर लिया गया है, कहीं ना कहीं समाधान उसका निकल गया है। और इसका बड़ा फैसला 20 जून के बाद हो सकता है। 20 जून को कांग्रेस की अध्यक्ष के साथ बैठक के बाद कभी भी इस बात का ऐलान किया जा सकता है कि पंजाब कांग्रेस में आने वाले दिनों में किस तरह के बदलाव देखने बड़ा फैसला तोड़े सूत्र की कहते हैं बड़ा फैसला किस तरह का हो सकता है? देखिए पार्टी सूत्र ये बता रहे हैं कि जो जो ग्रीवांसेस थे विधायकों के, सांसदों के या पार्टी के नेताओं के, उनको दूर कर लिया गया है। और 20 जून को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करने के बाद इस बात का ऐलान कर दिया जाएगा। हाल के दिनों में अगर देखें तो सोनिया गांधी फिजिकली कोई मीटिंग नहीं कर रही है। दिल्ली आने के बाद क्या वर्चुअल मीटिंग होगा या फिजिकली मीटिंग करेंगी, वन टू वन वो मीटिंग करेंगी, ये अभी स्थिति साफ नहीं है। लेकिन 20 जून की तारीख तय की गई है जिसमें सोनिया गांधी के साथ इन नेताओं की बैठक होगी और उसके बाद बड़ा फैसला लिया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है पार्टी सूत्रों के हवाले से कि जितनी भी शिकायतें थी उन सब का रास्ता निकाल लिया गया है, समाधान निकाल लिया गया है और इस बात का ऐलान 20 तारीख के बाद कर दिया जाएगा। अजय, बड़ी खबर दे रहे हो कि जेडी प्रॉब्लम पंजाब कांग्रेस नु फेस करनी पै रही थी, हाई कमांड दे सूत्र तोड़े है कह रहे ने कि उस प्रॉब्लम नु खत्म कर लिया गया, सिर्फ एक ऐलान हुन बाकी रह गया। जी निश्चित रूप से जो पार्टी सूत्र है वो यही बता रहे हैं। और अमूमन कांग्रेस में की जो परंपरा है उसके हिसाब से अगर देखें कि कभी भी कोई इस तरह की कमेटी बनती है या कोई इस तरह से अगर बैठकें होती हैं तो सोनिया गांधी से सबसे आखिरी में मुलाकात होती है और वो मुलाकात तभी होती है जब वो उस समस्या का, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल जाता है। उससे पहले अमूमन सोनिया गांधी मुलाकात नहीं करती है, उसके लिए कमेटी बनाई जाती है। तो अगर सोनिया गांधी से मुलाकात की तारीख तय हो गई है, इसका मतलब जो भी रास्ता या समाधान या जो बड़ा फैसला लेना है पार्टी को वो पार्टी ने मन बना लिया है, उसको तय कर लिया गया है और उसके बाद एक औपचारिकता होगी कि सोनिया गांधी से मुलाकात करने के बाद इसका ऐलान कर दिया जाए। सोनिया गांधी के नाल राहुल गांधी या प्रियंका गांधी भी इस बैठक के शामिल हो सकते हैं? देखिए अभी तक कांग्रेस अध्यक्ष की बात कही जा रही है लेकिन दिल्ली पहुंचने के बाद हो सकता है कि राहुल गांधी से भी या प्रियंका गांधी से भी नेताओं की मुलाकात हो जाए। लेकिन जब भी बड़ा फैसला लिया जाता है वो कांग्रेस अध्यक्ष से आखिरी बैठक करने के बाद, उसके बाद महज एक औपचारिकता होती है, पार्टी उसके 24 से 48 घंटे के अंदर जो भी फैसला होगा उसको प्रेस रिलीज के माध्यम से या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता देगी कि किस तरह का फैसला पार्टी ने लिया। अजय, मैं एक बार फिर, फैसला किस तरह का हो सकता है ये अटकलां बहुत लग रही होंगी, जिस तरह आप खबर ब्रेक करती है तो पंजाब कांग्रेस के तमाम नेतावां के अंदर भी ये हलचल जरूर होएगी, ये सस्पेंस या एक सवाल जरूर होएगा कि किस तरह का फैसला हो सकता है। फैसला तो आप जोर पाइए कि किस तरह का फैसला हाईकमांड लै सकती है, क्योंकि चर्चावां चल रही ने पंजाब कांग्रेस का प्रधान बदलिया जा सकता है, किस इस तरह के फैसलों के नाल जो हालात बिगड़े ने वो ठीक हो सकते हैं? देखिए रिमांशु, अब से कुछ देर पहले भी हमने पंजाब कांग्रेस के प्रधान सुनील जाटव से बात करने की कोशिश की, उनका भी यही कहना था कि मैं 2-3 दिनों के बाद बात करने की स्थिति में होऊंगा। कहीं ना कहीं वो भी इस बात का संकेत दे रहे थे कि जो भी फैसला होगा उसके बाद ही वो बोलेंगे, लेकिन कई तरह के विकल्प है। पंजाब कांग्रेस के अंदर संगठनात्मक बदलाव होगा इतना तय मान के चलिए, उसमें हो सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष को लेके जो लोगों की शिकायतें हैं प्रदेश अध्यक्ष बदले जाए। सरकार के अंदर किस तरह का बदलाव होगा, नवजोत सिंह सिद्धू को किस तरह से पॉलिटिकली एडजस्ट किया जाएगा, क्या जो मंत्रिमंडल है उसमें किसी तरह का बदलाव किया जाएगा, जो बोर्ड और निगम है उनमें किस तरह से कांग्रेस के लोगों को एडजस्ट किया जाएगा, इन तमाम तरह की चर्चाएं हैं, विकल्प है। अब पार्टी आला कमान
इसको लेकर क्या फैसला करती है, और जो सबसे बड़ा फैसला होगा पार्टी आलाकमान के स्तर पे वो नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर होगा कि नवजोत सिंह सिद्धू किस तरह की भूमिका में आने वाले दिनों में पंजाब कांग्रेस में दिखेंगे। ये एक बड़ा सिरदर्द भी है कांग्रेस के नेतृत्व के सामने और बड़ी चुनौती भी है कि नवजोत सिंह सिद्धू को किस रोल में फिट किया जाए। तो ये तमाम चीजें हैं, दलित उप मुख्यमंत्री बनाना या फिर हिंदू प्रदेश अध्यक्ष बनाना, ये सारी बहुत सारी चर्चाएं हैं, लेकिन इसमें जो आखिरी फैसला है या जो आखिरी मुहर लगी है वो कांग्रेस आलाकमान की तरफ से लगी है। बिल्कुल, बिल्कुल, कहीं कहीं पार्टी सूत्र बता रहे हैं कि जो भी फैसला लिया जाना है वो उस नतीजे तक पार्टी पहुंच चुकी है। 20 तारीख ऐलान बाकी रह गया, बिल्कुल जानकारी देने लिए धन्यवाद अजय। ये सन साडे दिल्ली तो पत्रकार अजय झा जिन्होंने एक्सक्लूसिव जानकारी दी है कि 20 जून में सोनिया गांधी ने पंजाब के बड़े कांग्रेस नेतावां दे नाल मीटिंग करनी। हालांकि ये मीटिंग वर्चुअल होएगी, फिजिकल होएगी, 1-to-1 किस तरह ये मीटिंग की जाएगी यदा हजे ऐलान नहीं होया। हालांकि सूत्रों तो मिली है जानकारी मुताबक 20 जून में पंजाब कांग्रेस के नेतावान सोनिया गांधी मिलन जा रही है, ये कैप्टन अमरिंदर सिंह भी शामिल हो सकते हैं। पर वड्डी खबर ये निकल के आ रही है कि जिस तरह जो डैमेज होया पंजाब कांग्रेस दे विच उसनूं कंट्रोल कर लिया गया, कांग्रेस हाईकमांड वालों जो फैसले लेने सीगे वो लै ले गए ने। जिस तरह रिपोर्ट के आधार से जो कांग्रेस हाईकमान ठीक लग रहा है पंजाब की स्थिति ठीक करने वो फैसले लै ले गए ने, सिर्फ इन्हों का ऐलान बाकी रह गया, जो ऐलान हुण 20 जून तो बाद किसी भी वेले हो सकता है। सो इस वेले की है वड्डी खबर पंजाब की राजनीति नाल जुड़ी हुई। इस तरह हर जानकारी तुहाडे तक पहुँचाते रहेंगे, देखते रहो दैनिक सवेरा टीवी।